इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मॉनसून सत्र में संसद में हंगामा थमता नहीं दिख रहा। सेशन शुरू होने से लेकर अब तक संसद में एक दिन भी सही तरीके से कार्यवाही नहीं चल पाई। पेगासस, किसान आंदोलन और कोरोना के मुद्दे को लेकर पिछले कई दिनों से डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है और आज फिर संसद में हंगामे के आसार हैं। कल राज्यसभा में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के ट्वीट पर जमकर बवाल हुआ। डेरेक ने मॉनसून सत्र के दौरान अब तक पारित विधेयकों की तुलना पापड़ी चाट से की, तो इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने नाराजगी जताई। पीएम ने डेरेक के ट्वीट को संसद और देश की जनता का अपमान बताया, जिसके बाद राज्यसभा में बीजेपी के उपनेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मुद्दे को उठाया और डेरेक ओब्रायन से माफी की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में संसद में लगातार हो रहे हंगामे और कार्यवाही ठप होने को लेकर नाराजगी जताई। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा, जिस तरह विपक्षी दल संसद की कार्यवाही चलने नहीं दे रहे, वो संसद, संविधान, डेमोक्रेसी और जनता का अपमान है। प्रधानमंत्री ने आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से पेपर छीनने और तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन के विवादित कमेंट का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा, इस तरह के व्यवहार से संसद का अपमान हुआ है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने संसद में पास हो रहे बिल्स को लेकर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा था, संसद के पहले 10 दिन में मोदी और शाह ने 12 बिल पास कराए। एक बिल औसतन 7 मिनट में पास हुआ। मोदी सरकार बिल पास करा रही है या पापड़ी चाट बना रही है? तो संसद में लगातार हंगामा हो रहा है। आज भी संसद के जब शुरू होगी तो उस दौरान हंगामे के आसार हैं। डेरेक ओब्रायन के ट्वीट पर कल प्रधानमंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि संसद की गरिमा के विपरीत है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।